होली पर लॉकडाउन का इंदौर में विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि ये फैसले कुछ अधिकारी और भाजपा नेता मिलकर ले रहे हैं। कांग्रेस के विधायक और महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला ने होली पर किए जा रहे लॉकडाउन पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा क्राइसिस कमेटी के नाम पर कुछ अधिकारी और भाजपा नेता इस तरह के अनैतिक फैसले ले रहे हैं। उन्होंने कहा हम तो जाएंगे होली का रंग डालने। होली का त्योहार गमी का त्योहार, सूतक खत्म करने का त्योहार है। तो इस निर्णय लेने गर्भवती क्या है आप निर्णय लेना, ये तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जाके बैठे निर्णय लें। ये बदनाम नाम क्यों लिया जा रहा है, कमेटी की मीटिंग हो रही है, इस कमेटी के नाम से सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। इस कमेटी के अंदर जो कमेटी के लोग हैं उनको नहीं बुलाया जा रहा है, ये खुद ही निर्णय लिए जा रहे हैं, उसका हम विरोध करते हैं। परंतु इंदौर शहर में पूरा देश होली का त्यौहार, ऐसा त्यौहार है हमारा त्यौहार, जिसको त्यौहार बड़े धूमधाम मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाता है कि समाज के अंदर या परिवार के अंदर कोई मर जाता है या कोई अस्पताल हो जाता है उसके बाद कोई शुभ काम होता है वो कब होता है, होली के रंग डालने के बाद काम चालू होता है। उस त्यौहार भले शादी ब्याह हो या घर के अंदर कोई शुभ काम हो, ऐसा कोई भी काम होली रंग लेगा तब तक ये काम नहीं होता है। उस त्यौहार को मना किया जा रहा है। परंतु बंगाल के अंदर चुनाव हो रहे हैं और असम में चुनाव, चार दिन से रात चुनाव हो रहे हैं, तो आदमी मुख्यमंत्री जी इंदौर आते हैं या कहीं भी घूमने फिरने आते हैं, एक घंटे के लिए आते हैं, सिर्फ गोला बनाने के लिए आते हैं और उनके लिए कोई फैसला नहीं लिया जाता है। वहाँ हजारों लोगों को 56 दुकान में भीड़ इकट्ठी की जाती है और वो सेल्फी फोटो छुपाते हैं, तो उनके लिए ये कोरोना महामारी नहीं हो रही है और आम जनता के लिए हो रही है। जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो बेचारे रोजी रोटी के लिए थोड़ा गुलाल बेचते हैं, कोई पिचकारी बेचता है, कोई गुलाल बेचता है, कोई रंग बेचता है और उनका रोजगार छीना जा रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।